Hey guys, welcome back to my channel. और आज की इस न्यू वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ एक आर्ट, सिंपल सी आर्ट बट कुछ डिफरेंट तरीके से, जिसमें कि मैं यूज करने वाली हूँ एक काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे याद आया, मैंने जो फर्स्ट वीडियो में प्यारा सा ड्रॉ बनाया था उसके अंदर मैंने रखा था ये इंस्ट्रूमेंट। सो आज इससे हम लोग ड्रॉइंग करेंगे। सो लेट्स सी मैं ये ड्रॉइंग कैसे करती हूँ। सबसे पहले आपको ले लेना मेकअप वाला जो भी एक्सेसरी लगाया जाता है, फिर उस पर अपने मनपसंद स्केचेस से साइड साइड पे स्केचिंग कर लेनी। मैं करती हूँ यहाँ पर, मैंने स्केचिंग कर ली है। अब पानी में इसको डुबो, बस वन डिप करना ताकि बस डूब जाए। डिप करने के बाद अब जो भी पेज है आपको जहाँ अलग अलग जगह पर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, जितनी लंबी होगी उतना ही टाइम लगता है। ठीक है, मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया है, यू कैन सी। अब जो इनके ऊपर जिस जो कलर आपके पास जो अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा, उसी एक ही कलर से इसके ऊपर आउटलाइन करते हैं। वो भी करके दिखाती हूँ जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। ये भी इस तरह से आपको कर लेना है, कुछ ऊपर कुछ नीचे। अब जो इसके बॉर्डर्स पर से कट आउट कर लेना है, ये भी जल्दी से करते हैं। तो ये भी मैंने कट कर लिया है फाइनली। इफ यू वांट तो आप बीच में भी कट कर सकते हो, नहीं चाहते तो मत कट करो क्योंकि नो रिस्क लेना। सो अब इस पर आपके मन के जो भी थॉट या जो भी ड्राइंग है वो आप इस पर बना सकते हो। मैं भी थॉट लेती हूँ। ओ हाँ, ब्लैक स्केच जूम। तो अब इस पर कुछ सजावट करते हैं, ग्रीन्स एंड व्हाइटनेस वगैरह वगैरह बनाते हैं। फिलहाल मैंने ब्लैक पेन से किया था, मेरा ब्लैक स्केच की इंक खत्म हो गई है तो मैं व्हाइटनर ले आती हूँ व्हाइट स्टार्स के लिए। और ये बीन्स मेरे पास है, और हाँ ये बीन्स और ड्रॉ की वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो पे जरूर जाना, आपको पता चलेगा मैं आपको इस चैनल पर क्या क्या कर सकती हूँ और क्या क्या करने वाली हूँ। प्लीज़ मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर मेरे चैनल को जरूर कर देना। व्हाइटनर लेके आते हैं। सो मैंने फिर से व्हाइटनर ले लिया है और अब इसको कुछ सजावट करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए शॉर्ट फॉर्म नहीं लूँगी बिकॉज वीडियो इतनी भी शॉर्ट नहीं करनी है। व्हाइटनर भी काफ़ी मुश्किल से चलते हैं। पॉज कर ही देती क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, व्हाइटनर बहुत हार्ड चल रहा है। सो मैंने व्हाइटनर और थोड़ा पेंट भी यूज़ किया, मतलब व्हाइट व्हाइट सब दिखता।
ये मैंने यहाँ ऊपर पेन का इसमें इस्तेमाल किया, यहाँ पर वाइट मार्कर का इस्तेमाल किया, बहुत थोड़ा थोड़ा लिखा होगा, और यहाँ पर वाइट मार्कर का इस्तेमाल किया है। और अब इस पर लगाएंगे हम लोग बीन्स। सो लेट मी थिंक, मैं कौन सी बीन्स मेरे पास स्टार्स रखे हैं, स्टार्स के स्टार्स भी लगाते हैं और बीन्स भी लगाते हैं। कलर्स बहुत सारे अलग अलग हैं, मतलब सेम कलर्स नहीं हैं, तो मैं उनको सेम कलर्स में रख रही हूँ। जस्ट एक मोमेंट, तो यहाँ मेरे पास 3 ब्लू स्टार्स हैं, तो इनको लगाते हैं सबसे पहले। येलो वाला एक ही था, येलो वाला मीट लगा रही हूँ। स्टडी के पास मैं वाइट कलर की बीन्स, स्टडी के पास मैं गोल्डन बीन्स लगा रही हूँ। गोल्डन बीट्स स्टडीज के पास ज़्यादा अच्छी लगेंगी, और बर्ड्स के पास मैं सिल्वर बीट्स लगाऊंगी। व्हाइट के पास रहने से क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कोई जगह भी नहीं है, पर फिर भी एक तो लगाऊंगी। और यहाँ पर स्टूडेंट के पास भी बहुत ज़्यादा जगह खाली है, मैं डेकोरेट करके करती हूँ क्योंकि 8 मिनट्स की हुई है वीडियो। फाइनली मैं जो आर्ट बना रही थी कंप्लीट हो गई, तो इसको भी सजाते हैं हमारे वहाँ। जी वाले शॉर्ट वीडियो में दिखाए थे ना वहाँ पर, तो लेते हैं ग्लू और चलते हैं इसको पेस्ट करते हैं सीधा दीवार। ओके, मैंने इसको वॉल पे पेस्ट कर दिया है, पर मैं उसको दिखाना नहीं चाहती क्योंकि उसमें एक सर्कल है जिसमें मैंने कोई डेकोरेशन नहीं किया है, तो उसके लिए मैं यहाँ से स्टार ले रही हूँ। वैसे मैंने स्टार कहाँ पर रखा मुझे खुद याद नहीं। तो ये मेरे पास 2 कलर के, मैं दोनों ले चलती हूँ। उठता क्यों नहीं, सुने थे इसको। इसको पेस्ट कर देती हूँ। ओके, सो मैंने पेस्ट कर दिया है वो दोनों स्टार, पहला ये यहाँ पर और दूसरा ये यहाँ पर। सो लेट्स सी कैमरा का फोकस आ गया। सो जो मेरा थॉट है वो ये है, अ स्टूडेंट विदाउट स्टडी इज जस्ट लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स, द एजुकेशन सेज। ये थॉट मेरे भाई ने अपने खुद से बनाया था,
जिसको मैंने पहले भी बनाया था, ये वाला मैंने पहले बनाया था, तो ये थोड़ा बेकार हो गया था। यहाँ मैंने रेड स्केच का यूज़ किया था, पर ये भी वही सेम चीज़ थी यू कैन सी, पर इस बार ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये है मेरी यहाँ की वॉल जिस पे मैंने अपनी क्रिएटिविटीज लगा रखी है, और ख़ास कर ये दरवाज़ा, इस पे मैंने अपना और अपने भाई का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ शिप के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, खोलने के लिए दे सकते हैं। तो ये सारी मेरी क्रिएशंस है। ये है दाल एंड राइस, स्कूल की एक्टिविटी से मिला था, पर कुछ ज़्यादा मोटा हो गया था, नोटबुक में चिपका नहीं सकते थे, तो मैंने पहले ये चिपकाया, फिर सूर्य लग रहा था, फिर ये सारे बबल्स बनाए, फिर और बेकार लगने लगा, और फिर ये लहरें बनाई, और फिर ऊपर थोड़ा खाली लग रहा था, तो यहाँ बोट बनाया। सो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और आगे देखते रहिए। यहाँ पर भी कुछ लगने वाला, थिंक करो और कमेंट करो कि यहाँ पर क्या लगने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बनाने वाली हूँ। बाय बाय।